राजस्थान की गहलोत सरकार भले ही अब सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कह रही हो, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कलह खुलकर सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट की बैठक में जमकर बहस हुई, साथ ही इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। बताया जा रहा है कि टकराव बढ़ता देख अन्य साथी मंत्रियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले के लिए बुलाई गई इस मीटिंग के लिए लगभग सभी मंत्री सीएम निवास पर पहुंचे थे। वहीं पर सीएम इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने और निराश्रित बच्चों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने के अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। कैसे हुआ टकराव? मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में बोर्ड परीक्षाओं के निर्णय लेने के बाद राजनीतिक मामलों को लेकर भी चर्चा हुई और इसी दौरान डोटासरा को धारीवाल की ओर से बीच में टोकने पर बात बिगड़ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा कि कांग्रेस ने आज फ्री वैक्सीनेशन की मांग करते हुए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, अब हर दिन जिला स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना चाहिए, इस अभियान को ग्राउंड पर भी उतारने की जरूरत है। डोटासरा के इतना कहते ही मंत्री शांति धारीवाल ने डोटासरा की बात काटते हुए कहा कि इसकी क्या जरूरत है, मंत्रियों का काम ज्ञापन देने का नहीं है। बस इसी तरह से विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ने के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीच बचाव किया। सीएम से की कार्रवाई की मांग। इतना ही नहीं, टकराव के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने शांति धारीवाल पर सीएम से कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने सीएम से कहा कि पार्टी संगठन के मुद्दे पर बात हुई तो अध्यक्ष को बोलने तक नहीं दिया गया, इस तरह के बर्ताव पर कार्रवाई होनी चाहिए। डोटासरा बैठक से जाने को तैयार हो गए, लेकिन सीएम ने उन्हें शांत करवाते हुए अपनी बात पूरी करने को कहा। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच तर्क वितर्क से शुरू हुई झड़प एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक जा पहुंची। मंत्रिपरिषद की बैठक और उसके बाद भी दोनों नेताओं के बीच तूतू मैं जारी रही। नौबत यहां तक आ गई कि मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद भी कई वरिष्ठ नेताओं को दोनों के बीच बचाव करना पड़ा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।